आज भारत में अगर किसी बात की चर्चा सबसे ज़्यादा है तो वो है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की। भारत की कुछ स्टेट्स में तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही शतक लगा चुके हैं, लेकिन आज हम भारत की महंगाई का रोना नहीं रोएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक तरफ जहां भारत में पेट्रोल एक लीटर जूस के डिब्बे से भी महंगा मिल रहा है, वहीं दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां एक लीटर पेट्रोल एक टॉफी से भी सस्ता है। अगर और आसान भाषा में समझे तो यहां पानी से भी सस्ता पेट्रोल है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश में तेल इतना सस्ता है वहां की 96% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला की, जिसके पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल का भंडार है। और वहीं अगर CIA की रिपोर्ट्स की माने तो इस देश में दुनिया में सबसे बड़ा तेल का भंडार मौजूद है। तो चलिए बताते हैं आपको वेनेजुएला की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। वेनेजुएला की कहानी जानने से पहले आप तेल को लेकर कुछ फैक्ट्स समझ लीजिए। globalpetrolprices.com की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के देशों में पेट्रोल का एवरेज प्राइस है $1.17 प्रति लीटर, यानी लगभग ₹87। इस वेबसाइट के मुताबिक अगर 167 देशों की बात की जाए तो उनमें 57 देशों में तेल का दाम $1 से भी कम है। 71 देश ऐसे हैं जहां तेल का दाम $1 से $1.50 है, वहीं 35 देश ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल का दाम $1.50 से $2 प्रति लीटर है, और दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जहां पेट्रोल का रेट $2 से ज़्यादा है। हांगकांग में $2.50 यानी ₹187 में लीटर पेट्रोल मिलता है, जो दुनिया में सबसे महंगा है। ये सभी आंकड़े 21 जून 2021 तक के हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे सस्ता तेल वेनेजुएला में मिलता है, जहां प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत $0.02 है। और अगर भारतीय करेंसी की कीमत वेनेजुएला में देखी जाए तो एक लीटर पेट्रोल की कीमत 21 पैसे हो जाती है, यानी ₹21 लेकर जाइए और 100 लीटर तेल खरीद लाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला में तेल आखिर इतना सस्ता क्यों है, और एक देश जिसके पास इतना बड़ा ऑयल रिजर्व है वो सऊदी अरब की तरह अमीर क्यों नहीं बन सका। इसका सीधा सा जवाब है ऑयल कर्ज, यानी जो देश सिर्फ तेल से होने वाली कमाई पर ही निर्भर होता है और बाकी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की ग्रोथ को बिल्कुल किनारे कर देता है, उसके लिए तेल का भंडार एक अभिशाप भी बन सकता है, जो वेनेजुएला के साथ भी हुआ। 1922 में वेनेजुएला में तेल का भंडार मिला और इसके बाद लगभग 100 सालों से तेल के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई ही इसकी आय का सबसे बड़ा जरिया बनी। 1960 में वेनेजुएला ओपेक का हिस्सा बना और साल 1973 में ओपेक ने जब तेल की कीमतों को एकदम से 4 गुना किया तो वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाला देश बन गया। लेकिन धीरे धीरे तेल से मिलने वाले पैसों ने सत्ता के शिखर पर बैठने की जगह को छोटा कर दिया और पावर कुछ लोगों के हाथ में ही रह गई। साल 1999 में हुगो चावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने और तब से इस मुल्क के हालात और खराब होने लगे। चावेज ने वेनेजुएला की सभी बड़ी संस्थाएं, फिर चाहे वो ज्यूडिशरी हो या फिर इलेक्टोरल काउंसिल, उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। 2013 में उनकी मौत के बाद उनका राइट हैंड रहे निकोलस मादुरो सत्ता पर काबिज हुए और चीजें और बिगड़ गई। वेनेजुएला की इकोनॉमी तेल पर निर्भर थी और साल 2014 में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से $30 प्रति बैरल पर आ गए, जिससे हालात बद से बदतर हो गए। 2016 आते आते लाखों लोगों ने वेनेजुएला को छोड़कर जाना शुरू कर दिया और वेनेजुएला में 12 महीनों में महंगाई दर 13% तक पहुंच गई। 2016 के इलेक्शन में वेनेजुएला के लोगों ने मादुरो को हराकर सत्ता गुएदोस को सौंप दी, लेकिन मादुरो ने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने 2017 में वेनेजुएला पर ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर पाबंदियां लगा दी, जिससे वेनेजुएला की हालत और भी खस्ता हो गई। धीरे धीरे वेनेजुएलियन करेंसी की हालत भी बिगड़ती चली गई, जिसने मुल्क के हालात बद से बदतर कर दिए। CIA के मुताबिक वेनेजुएला में 30,230 करोड़ बैरल कच्चा तेल है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि वेनेजुएला का तेल बाकी देशों के मुकाबले भारी है, जिसे निकालने की लागत सऊदी अरब के मुकाबले 4 गुना ज्यादा आती है,
जिसके चलते वहां तेल निकालना अपने आप में एक महंगा काम है, जो वेनेजुएला के ऑयल बिजनेस के लिए एक बड़ा सेटबैक भी है। तो ये है वेनेजुएला के तेल भंडार का पूरा गणित, जहां का तेल भंडार इस देश के लिए एक अभिशाप बनकर रह गया है। भारत में तेल की बढ़ती कीमतें बेशक चिंता का विषय हो, लेकिन वेनेजुएला की हालत देखकर लगता है कि शुक्र है हम 21 रुपए में 100 लीटर तेल नहीं खरीद रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।